शंभू, शंभू, ट्विंकल, ट्विंकल क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो वहाँ पे राहुल सर, वो उनको चोट लगी है, सब खून खून हो गया है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो मेरी बात नहीं मान रहे। तुम जाके देखो ना, खून रोकना पड़ेगा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। राहुल, राहुल, ये तुमने क्या कर दिया? इतना खून बह गया। छोड़ो मेरा हाथ। चुप करो और चिल्लाना बंद करो राहुल। मैंने कहा जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारी हर बात मानने की कसम नहीं खाई हुई। कितना खून बह गया, इसे साफ करना होगा। चलो बैठो यहाँ पे। सर, वो मैंने डॉक्टर को बुला दिया और मैं ये फर्स्ट एड बॉक्स लेके आई हूँ। माय गॉड, इतना खून, मुझे चक्कर आ रहा है सर। ये बॉक्स मुझे दे दो ट्विंकल, तुम जाओ यहाँ से। सर, मैं रिहर्सल कैंसिल करा देती हूँ, आई डोंट थिंक सो और कुछ हो पाएगा। टेक केयर, ओके? पकड़ो इसे। उठा रहे, कितनी देर से लगा रही हूँ, कितनी टेंशन हो गई, कहाँ चले गए पता नहीं। क्या हुआ? मानवी, तू आ गई, अच्छा हो गया। वो तेरे बाबा, मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वो मेरी कहाँ सुनते हैं। मैंने उनसे कहा कि इन सब में हमारा कोई लेना देना नहीं है पर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। माँ, पर हुआ क्या है, बात क्या है? वो तेरे बाबा वो पुलिस स्टेशन चले गए, पता नहीं किसकी कंप्लेंट करने गए। क्या बात है, कुछ मुझे बोला ही नहीं, जल्दी जल्दी आए। वो गुस्से में थे और कुछ पेपर्स लेके सीधे पुलिस स्टेशन चले गए। पर बाबा ने कुछ तो बताया होगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं बताया। आप घबराओ मत, मैं अभी जाके आती हूँ। मैं आती हूँ माँ। आई विटनेस है बाबा। अरे अरे, हम बोला था ना, एक नंबर का बदमाश है ये, एक नंबर का बदमाश। देखो आज खुद ही प्रूफ हो गया। आज जो हुआ है वो हम अगर तुमको सुनाएगा ना तो तुम एकदम शॉक हो जाएगा। छोड़ेगा नहीं इंस्पेक्टर, हम उसको रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट। लेकिन बाबा हुआ क्या है? क्या हुआ? अरे एक्सीडेंट हुआ, एकदम भयंकर एक्सीडेंट हुआ। अच्छा उपमन्यु जी, अब साफ साफ बताइए शुरू से कि क्या हुआ था। अच्छा देखो, हम घर का सामान लेके पैदल घर का तरफ जा रहा था, पीछे से गाड़ी निकला फुल स्पीड में पुश करके, तो हम झट से उसका नंबर देखा तो नंबर वही था, राहुल सबरवाल का। अरे चार दिन पहले पेपर में निकला था ना, वही नंबर। और गाड़ी जैसे टर्न किया ना तो बहुत जोर से आवाज आया, हम जाके देखा कि दो आदमी को ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और एक एक लड़का वो गाड़ी से निकल के वो जैकेट पहन होता है ना, वो टोपी वाला जैकेट, वही पहन के भाग गया। अगर लड़के ने कैप वाली जैकेट पहनी थी तो मतलब आपने उसका चेहरा नहीं देखा। अरे नहीं नहीं, देखा ना, अच्छा से देखा, वो राहुल सबरवाल ही था। राहुल, राहुल मेरा फोन उठाओ। माँ एक माँ, जरूरी कॉल भी हो सकता ना माँ। हेलो, हेलो राहुल। मानवी, राहुल एक बहुत जरूरी बात करनी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? भैया, राहुल भैया, घर पे पुलिस आई है, आपको बुला रहे हैं। पुलिस? मानवी, मेरे घर पे सिचुएशन है, कॉल बैक। नहीं राहुल, राहुल पहले 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 मेरी बात सुनो। हेलो, हेलो मर्डर हुआ है, हम गवाह है मर्डर का। अरे सामने सामने से देखा है वो कैसे भाग गया है गाड़ी से, अब कोई नहीं बचा पाएगा राहुल को। और मैं जानती हूँ कि उस गाड़ी में राहुल नहीं था, मैं उसकी बेगुनाही का सबूत हूँ। राहुल जी की गाड़ी हमें क्राइम सेल से मिली है। मेरी गाड़ी वहाँ मिली, उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो एक्सीडेंट मैंने किया। मैं आज सारा दिन अपने ट्रूप के साथ रिहर्सल कर रहा था। राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो पूरा दिन स्टूडियो में था, हो सकता है गाड़ी को ड्राइवर ले गया। और ये जो भी तुम्हारा आई विटनेस है, जरूर कोई भूखा नंगा होगा जो मौके का फायदा उठाना चाहता है। सर अगर कोई ड्राइवर होता तो इतने बड़े हादसे के बाद शहर छोड़कर भाग चुका होता, और यहाँ आने से पहले हमने आपके सारे ड्राइवर्स से पूछताछ की है, वो सब क्लीन है। अब राहुल जी आप ये बताइए कि क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो ये प्रूफ कर सके कि आप एक्सीडेंट के वक्त स्टूडियो में ही थे? एब्सोल्युटली, मैं बस गवाह है।
मेरी ट्रूप की एक मेंबर मेरे साथ थी सारा दिन, आप उससे पूछ सकते हैं। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही हूँ, राज सब्रवाल इतने बड़े बिजनेस में, वो खुद ब खुद सब संभाल लेंगे, वो कभी अपने बेटे को जेल में नहीं जाने देंगे।